जिसका इंतजार था सभी को वो पल आ चुका है। जी हाँ, जवान का ट्रेलर 31 अगस्त की रात को रिलीज हो चुका है। तभी से भाई शाहरुख खान की फिल्म है, बवाल तो होना लाजमी है। जवान को लेकर के लोगों के एक्सपेक्टेशंस एकदम आसमान के परे है भाई, कि नहीं कब मूवी आए और हम कब थिएटर में जा करके जवान को देखें। अब मानना ये भी है कुछ लोगों को लेकर के, कुछ लोगों का कहना है कि जवान ब्लॉकबस्टर ही नहीं मतलब धांसू होने वाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है। भाई कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जवान एवरेज रहेगी जैसे बाकी की फिल्में होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख खान की एक्टिंग ओवर हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि जवान को लेकर के क्या कॉन्ट्रोवर्सीज उठ रहे हैं, जवान को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, जवान ने कितना धूम मचाया है, लोगों को कुछ जवान पसंद आ भी रहा है या फिर ऐसे ही बस अफवाह उड़ रही है। खैर, आपने एक वीडियो देखा होगा शाहरुख खान का दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने, बुर्ज खलीफा जहाँ पर शाहरुख का तो भाई बर्थडे हो या कुछ भी हो उनका वीडियो चलना लाजमी है। जवान का भी ट्रेलर 31 अगस्त की रात को रिलीज किया गया बुर्ज खलीफा पे, शाहरुख भी वहाँ पर। हालांकि शाहरुख अपने फिल्म का प्रमोशन करने कहीं पहुँचते नहीं हैं, लेकिन शाहरुख बुर्ज खलीफा के पास अपने फिल्म का प्रमोशन करने पहुँचे थे। कुछ तो बात होगी, कुछ तो कमाल होने वाला है, मानते हैं आप भी? मैंने तो भाई मान लिया है, आपको भी मान लेना चाहिए कि इस बार तो कुछ अलग ही होने वाला है, ट्विस्ट ट्विस्ट पे ट्विस्ट आएगा। एक बार मूवी तो आ जाने दीजिए। लेकिन अब जवान को लेकर के ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें इतने ज़्यादा अभी तक कोई क्रिटिक्स आए नहीं हैं। हालांकि कुछ बहुत क्रिटिक्स किए गए हैं शाहरुख के एक्टिंग को लेकर के, उनके प्रोडक्शन हाउस को लेकर के, VFX को लेकर के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले एटली की, नयनतारा की जो कि लीड रोल में एक्ट्रेस हैं इस वक्त, और दीपिका पादुकोण की, तो भाई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज एक तरफ और इनकी एक्टिंग एक तरफ हो जाती है। माना जा रहा है कि इन चारों का जो याराना और जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया इस फिल्म में, वो इस बार शाहरुख खान के पठान का रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको टैप ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। धन्यवाद।